हेलो देयर केपी फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली वेल। अब आप सोच रहे होगे ये इतना अतरंगी सा मेकअप लुक मैंने कैसे कर लिया। मैं तो यूजुअली ऐसा मेकअप करती नहीं हूँ, बट ये मेकअप लुक ना मैंने शूट किया है जो आपको कल देखने को मिल जाएगा या फिर परसों देखने को मिल जाएगा, यूजिंग स्विस ब्यूटी के मेकअप प्रोडक्ट्स। मैंने स्विस ब्यूटी के कुछ न्यू मेकअप प्रोडक्ट्स ट्राई करे थे, सारे नहीं कुछ न्यू ट्राई करे थे, एंड मैंने क्रिएट किया ये अमेजिंग सा लुक। आई नो थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा बिकॉज मैं करती नहीं और ज्यादा अच्छे से ना हुआ भी नहीं है, बट आई राइट गाइज, करने से ही हम सीखते हैं। तो आज की वीडियो में आपको एक अमेजिंग सा हॉल दिखने वाला है, वीडियो का अंत तक जरूर देखना। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगेगी एंड लव इज सी एनी फॉर द टाइम, लेट्स गेट रोलिंग। सबसे पहले मैंने लिया है ये, दिस इज द ड्यूअल पासपोर्ट फॉर फेस एंड आईज फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये बेसिकली एक फेस एंड आईज पैलेट है जिसमें आपको आई शेडो और ब्लश मिल जाता है, ठीक है। आई वॉज रियली रियली एक्साइटेड। सबसे पहले तो पैकिंग बहुत ज्यादा अमेजिंग थी और शेड रेंज भी इसमें आपको बहुत अच्छी मिल रही थी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो मैट शेड्स मिल जाते हैं और दो यहाँ पे मेटालिक शेड्स हैं। दीज आर नॉट शिमर शेड्स, दे आर मेटालिक शेड्स। एंड यहाँ पे जो ये दो शेड्स है ना, आप इसको एज आई शेडो तो यूज कर ही सकते हो, बट बेसिकली दीज टू आर ब्लशेज, ये ब्लश के शेड्स है। मैं सबसे पहले आपको ये वाला शेड और ये वाला शेड स्वॉच करके दिखा देती हूँ, एंड यू कैन टेक अ लुक एट द पिगमेंटेशन। एंड अगर हम इन वाले दो शेड्स की बात करें, ओ माई गॉड, दे आर सो सॉफ्ट गाइज, जस्ट टेक अ लुक एट दैट। बहुत ही अमेजिंग पिगमेंटेड पैलेट है। आई यूज दिस ऑन माई आईज टूडे, इसी को यूज करके मैंने ये लुक क्रिएट किया है। ये जो येलो आई लाइनर है ना, ये स्विस ब्यूटी का पॉप स्टाय आई करके आई लाइनर आता है येलो कलर में। वो ऑब्वियसली मैंने न्यू परचेज नहीं है तो इसलिए मैं इस हॉल में वो नहीं दिखाऊंगी, बट मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि मैंने कौन से यूज किया। बाकी कल की वीडियो में तो आपको वैसे ही सारा का सारा लुक देखने को मिल ही जाएगा। तो इट्स एक्चुअली वेरी वेरी अमेजिंग। द ओनली थिंग इज की शेड्स बहुत वो नहीं है, डिफरेंट नहीं है, मतलब सिर्फ पिंक के और ब्राउन के शेड्स हैं, तो बहुत लिमिटेड सा हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके के छोटे आई शेडोज परचेज करना अमेजिंग लगता है ना, जिसमें सिंगल सिंगल कलर्स होते हैं, सिंगल कलर रेंज होती है, तो आई नो ये आपको बहुत ज्यादा अमेजिंग लगने वाला है बिकॉज पाउडरी नहीं है बिल्कुल भी, प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पिक हो जाता है एंड पिगमेंटेशन बहुत अमेजिंग है। नेक्स्ट अप इज दिस वन, ये है स्विस ब्यूटी का ड्रॉप एंड ग्लो लिक्विड हाईलाइटर, जिसमें मेरा शेड है 01 लाइट पिंक। 18 ml की यहाँ पे आपको क्वांटिटी मिल जाती है। लाइक फेस्टिव सीजन एक ऐसा टाइम आता है ना जहाँ पे हम भर भर के अपने इल्यूमिनेटर और हाईलाइटर लगा सकते हैं और हमें कुछ नहीं कहने वाला। सो ये इस तरीके की ड्रॉपर वाली पैकेजिंग में आता है। आई डोंट नो, आज तक मैंने जितने भी इल्यूमिनेटर्स या लिक्विड हाईलाइटर्स यूज किया ना, जो इस तरीके के ड्रॉपर फॉर्म में आते हैं, किसी का ड्रॉपर वर्क नहीं करता। आई डोंट नो, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस, क्या ये चीज आपके साथ भी हुई है? बट मैंने आज तक जितनी भी ट्राई करे कभी किसी का जो ड्रॉपर है वो वर्क नहीं करता। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ इसका शेड लाइट पिंक है। व्हेन यू ओपन इट अप दिस इज हाउ इट रिसीव्स, एंड कितना ही दबा लो, ओह नहीं 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 नहीं, इसका वर्क कर रहा है यार ड्रॉपर। अरे यार मैंने ऐसी वेस्ट कर दी यार इसकी, निकाल के देखे। अरे यार ये तो गलत वेस्ती हो गई, इसका वर्क कर रहा है। दिस इज हाउ द शेड 01 लाइट पिंक लुक्स लाइक, एंड वुड यू टेक अ लुक एट दैट, ओ माय गुडनेस, सच अ पिगमेंटेड इल्यूमिनेटर। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ब्लेंड करती हूँ ताकि आपको इसका ना एग्जैक्ट शेड पता लग पाए। वुड यू टेक अ लुक एट दैट, ऐसे थोड़ा सा टाइम पास अप्लाई कर लेते हैं। दिस गिव्स सच अ नेचुरल लुक गाइज, आई नो, मतलब बहुत ही अमेजिंग लुक देता है। आप सबसे पहले तो जब आप अपना फाउंडेशन लगाने वाले हो उसको यूज करने से पहले आप इसको एप्लीकेशन कर सकते हो अपने पूरे फेस पे, देन आप फाउंडेशन यूज कर सकते हो, या फिर आप फाउंडेशन के अंदर इसको मिक्स करके यूज कर सकते हो। इसमें 4 to 5 शेड आते हैं, बहुत अमेजिंग शेड रहेंगे, ठीक है। या फिर अगर आप चाहो तो सिर्फ अपने हाइएस्ट पॉइंट्स पे, या दिस इज सो गुड, अपने सिर्फ हाइएस्ट पॉइंट्स पे आप इसको यूज कर सकते हो एज एन हाईलाइटर, एज अ हाईलाइटर ओनली। मैंने इसको सिर्फ अपने टॉप पॉइंट्स पे यूज किया था बिकॉज पिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल ओवर पावर ना कर दे, पिंक पिंक मेरा फेस ना लगे, दैट इज अ वाई। लेकिन बाकी कलर्स ना थोड़े गोल्डन गोल्डन कलर्स में थे तो मैंने ये वाला उसलिए परचेज किया था। अगेन सो 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 अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग हाईलाइटर है। मैंने यहाँ पे ना कोई भी पाउडर हाईलाइटर नहीं लगाया हुआ, मैंने सिर्फ इसी को लगाया था अपना फाउंडेशन लगाने के बाद, एंड द रिजल्ट इज लिटरली बॉम्ब। आप खुद देख सकते हो कितना ग्लोई मेकअप बेस लग रहा है। सो आई विल हाईली रिकमेंडेड, अगर आप एक लिक्विड इल्यूमिनेटर लेना चाह रहे तो इसको एक बार जरूर ट्राई करना। नेक्स्ट अब मैंने लिया ये छोटा सा प्राइमर, दिस इज द स्विस ब्यूटी मैटिफाइंग मेकअप प्राइमर। इट सेज के पोर्स को ब्लर करता है, स्मूदन करता है बेस को, एंड इसके अंदर विटामिन ई और जोजोबा ऑयल भी है। 7 grams की क्वांटिटी मिल रही है। मैंने ये छोटा सा बाय किया था बिकॉज छोटी पैकिंग में अवेलेबल था, तो मैंने सोचा यार क्यों ना यही परचेज कर लिया जाए, क्योंकि बड़ी पैकेजिंग मोस्टली हमारी खत्म नहीं होती है, दैट इज वाई आई टोटली लव्ड इट। ये बहुत ही एक अमेजिंग सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है, लाइक बहुत ही अच्छे से आपके फेस को एक स्मूथ बेस प्रोवाइड कर देता है। लाइक जब मैंने इसके बाद अपना फाउंडेशन लगाया था ना, ये वाला जो मैंने फाउंडेशन यूज किया था ना, थोड़ा मैटिफाइंग फाउंडेशन था, भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बट स्टिल लगाने के बाद भी इसने उसको इतने अच्छे से ब्लेंड कर लिया ना, क्योंकि नीचे जो बेस
फेस था वो इतना ज्यादा अमेजिंग और इतना ज्यादा स्मूथ था, सो आई टोटली लव्ड इट। नेक्स्ट चीज जो मैंने यहाँ पे परचेज करी है वो है ये मस्कारा फ्रॉम स्विस ब्यूटी। स्विस ब्यूटी प्रिसिशन थिकनिंग लॉन्ग लैश मस्कारा परमानेंट लेंथनिंग। अच्छा, इसमें कहीं पे वॉल्यूम के बारे में नहीं लिखा, सिर्फ लेंथन के बारे में लिखा है। एंड यू कैन टेक अ लुक एट दोज आई लैशेज, इतनी अमेजिंग लेंथ इसने प्रोवाइड करी ना, नॉट गोइंग टू लाइ, वॉल्यूम मुझे कहीं नहीं दिखा, वॉल्यूम जितना मेरा था ना उतना ही है, लेकिन इसने इतने अच्छे से ब्लैकन अप कर दिया और इतनी अमेजिंग लेंथ प्रोवाइड करी है ना। एंड ना मुझे फील हो रहा है कि ये एक्चुअली एक वाटरप्रूफ मस्कारा है, बट अभी तक मैंने इसको ट्राई किया नहीं है कि ये देखने के लिए कि ये वाटरप्रूफ है या नहीं है, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। आई विल लेट यू नो कि ये वाटरप्रूफ है या फिर नहीं है, ठीक है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत अमेजिंग लेंथ प्रोवाइड कर रहा है। इट्स अ जेल बेस्ड सॉर्ट ऑफ मस्कारा, लाइक कई होते हैं ना जेल वाले जो मस्काराज होते हैं, आई लव दोज मस्काराज बिकॉज ना वो एक्चुअली आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं और बहुत ही ब्लैक पिगमेंटेशन देते हैं। देन आई हैव दिस फाउंडेशन फ्रॉम स्विस ब्यूटी। ये है स्विस ब्यूटी का एयर ब्रश फिनिश फुल कवरेज फाउंडेशन विद हाइलुरोनिक एसिड। द थिंग इज, मेरे पास जो पहले शेड था वो था 03 विच वॉज नॉट माई शेड एट ऑल, वो मुझे स्विस ब्यूटी ने ही भेजा था, लेकिन इस बार मैंने अपना शेड बाय किया, दैट इज 02 फेयर आइवरी। बॉटल में आपको लग रहा होगा बहुत ही येलो है, बट यू कैन टोटली टेक अ लुक यहाँ पे मेरे स्किन से कितने अमेजिंगली ये मैच कर रहा है। ऑब्वियसली यार फाउंडेशन थोड़े से तो येलोइश टोन में जाते ही है, बट मेकअप के बाद लाइक ब्लश वगैरह के बाद वो सही हो जाते हैं। इस तरीके की पंप फॉर्म में आपको ये रिसीव हो जाता है, बहुत ही अमेजिंग है, मैटिफाइड वाली फिनिश आपको प्रोवाइड करता है, ब्लेंड बहुत ज्यादा इजीली हो जाती है। एंड कवरेज आई विल सी मीडियम कवरेज है इसकी, मीडियम टू हाई, बिल्डेबल है, आप और बिल्डअप कर सकते हो। लाइक अभी आप देख सकते हो मैंने ज्यादा थोड़ा कंसीलर वगैरह भी यूज किया था, तो मुझे इसकी मीडियम कवरेज लग रही है। आई वोंट से बहुत ही एक्सट्रीमली हाई है, फुल कवरेज है, बट रिजल्ट मेरे को बहुत ही अमेजिंग लगा इसका। वी हैव दिस, अगर आप लोगों को पता होगा मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले ही आपके साथ एक हॉल शेयर करा था, उसमें मैंने लिपस्टिक शेयर करी थी एंड मैंने स्विस ब्यूटी की बड़ी वाली पैकेजिंग शेयर करी थी। मेरे दिमाग से ही निकल गया वहां जो मैंने क्यूट न्यूड हाँ जो शेड मंगवाया था ना, गलती से मैंने छोटी लिपस्टिक में भी वो ही शेड मंगवा लिया। मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैंने वो ऑलरेडी शेड मेरे पास है, मुझे कोई और शेड मंगवाना चाहिए, बट इट्स ऑल राइट। दिस इज दी स्विस ब्यूटी लिक्विड लिपस्टिक होल्ड मी मैट 12 आवर लॉन्ग स्टे। बस वही सेम टू सेम लिपस्टिक है, वो बड़ी पैकेजिंग में थी, ये छोटी पैकेजिंग में, बट आई लव दिस टिंगू सी पैकेजिंग सो मच, लाइक दिस इज सो ट्रैवल फ्रेंडली। आप ओ माय गॉड, लाइक आप लिटरली इसको कहीं भी फिक्स कर सकते हो और आप पॉकेट में भी डाल के लेके जा सकते हो। दिस इज सो अमेजिंग, इट्स ऑन माई लिप्स राइट नाउ, स्मच प्रूफ है, ट्रांसफर प्रूफ है और एकदम आपको मैट फिनिश देती है। बट स्टिल मैं आपको इसका स्वॉच दिखा देती हूँ। दिस इज हाउ द शेड क्यूट नूड लुक्स लाइक, अ वेरी ब्यूटिफुल ब्राउनिश सॉर्ट ऑफ शेड विच लुक्स अमेजिंग, सारी स्किन टोन पे चला जाएगा। अगर आपकी बहुत डस्की स्किन टोन है तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, आपके ऊपर ये वाला शेड बहुत अमेजिंग लगने वाला है। लास्ट अप आई गॉट दिस, इतनी अमेजिंग पैकेजिंग मैंने आज तक नहीं देखी किसी ब्राउ पेंसिल की। ये है स्विस ब्यूटी की माइक्रो प्रिसिशन आईब्राउ पेंसिल। इतनी पतली है ना ये, इतनी पतली और इतनी स्टर्डी पैकेजिंग है ना, इसकी एक साइड पे आपको आपका ब्राउ प्रोडक्ट मिल जाता है। मैं आपको शेड दिखा देती हूँ इस वाली ब्राउ पेंसिल का, दिस इज द शेड, एंड एक साइड पे आपको मिल जाती है स्पूली। दिस इज हाउ यू रिसीव इट, एंड इजिली आप अपनी ब्राउज को यहाँ से कॉम कर सकते हो। आई टोटली लव द पैकेजिंग, पैकेजिंग पे तो मैं इसको 10/10 देने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज और बहुत ही पतली सी पैकेजिंग है, लाइक किसी को पता भी नहीं लगेगा ये क्या पेन है कि क्या, ठीक है। बहुत अमेजिंग पैकेजिंग है ना, वर्क बहुत अच्छे से करते हैं, यू कैन टेक अ लुक। मुझे ये लगा कि मैंने शेड शायद थोड़ा लाइट बाय कर लिया, बिकॉज मेरी ब्राउज को ना ये बहुत ज्यादा अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि दूर से कि मैंने ब्राउज अच्छे से फिल नहीं करी है। बिकॉज जब आप फुल फेस मेकअप करते हो ना, ब्राउज को थोड़ा सा प्रॉपरली फिल इन करना पड़ता है, तभी जाकर आपके ब्राउज अच्छे लगते हैं। बट उसमें मुझे ये चीज थोड़ी सी मिसिंग लगी कि हाँ शायद मेरी ब्राउज थोड़ी सी लैक कर रही है कहीं पे, लेकिन अगर आप अपना एक्चुअल कलर बाय करोगे बहुत अमेजिंग वर्क करता है। एज इट सेज की प्रिसिशन है, इसकी टिप बहुत ही पतली है, क्योंकि स्मॉल हेयर स्ट्रैंड्स होते हैं ना फ्रंट पे, आप इसको बहुत इजीली कैरी कर सकते हो। लाइक यू कैन टोटली टेक अ लुक, मेरी ब्राउज इस टाइप पे ऐसे लग रही है जैसे नेचुरल ब्राउज है, मैंने कुछ कर ही नहीं रखा है, दैट्स हाउ इट वर्क्स, इसलिए मेरे को ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगी। एंड यार गाइस, जितने भी प्रोडक्ट्स है हर किसी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अलॉन्ग विद द शेड्स जो मैंने बाय करे, वहां से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। एंड यार दैट इज इट, आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू डू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स and subscribe my channel, and I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.